शीतला आंटी जय गुरुजी, जय गुरुजी, पहुंच गए आप। जय गुरुजी, कृष्णा कैसा है बेटा? ठीक है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, आरती आंटी जय गुरुजी। तो फाइनली आज गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया है हमें अपना ये गार्डन, जिसको कहा जाता है जनाना पार्क। जाने की खाली जनानियों की एंट्री है। अरे तितलियाँ, बहुत सारी बटरफ्लाईज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, कैसे हो? ठीक हो? चलो जी, तो चलते हैं जनाना पार्क में। और आज गुरु जी महाराज जी यहाँ लगाएंगे रौनक। और लास्ट ईयर भी गुरु जी ने यहाँ बहुत रौनक लगाई थी। थैंक यू। तो यहाँ आज संगत जी आपको दर्शन कराएंगे हम मंदिर के भी। और वो बटरफ्लाई देखो, वो देखो कितनी सारी बटरफ्लाईज उड़ रही है संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो आ गए जी संगत जी, हम जनाना पार्क में। वाह, से दूर से हमें हिमांशी आंटी देख रही है, जिनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये पेड़ियों में कैसे आ गई। जय गुरु जी, आ जा भाई, आ जा। तो जितना भी बैक आपको राउंड वाले कैमरे में दिख रहा है ना, ये सारा पार्क है। ये देखिए, और वहाँ है मंदिर। तो ये देखो कितनी बड़ी बटरफ्लाई। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अरे बटरफ्लाई गई टच करके। जय गुरु जी, कैसे हो? काला माता हुआ अकेले 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 अकेले। यहाँ चल रही हैं तैयारियाँ। अच्छा, जय गुरु जी। वही बटरफ्लाई देखो, बटरफ्लाई। जय गुरु जी, पहले ही सबसे बड़ी आएंगी इधर बटरफ्लाई। इतनी घूम रही है कब से। जय गुरु जी। हिमांशी आंटी आ जाओ, हिमांशी आंटी आ जाओ, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। मेरी बहन बर्दाश्त नहीं कर पा रही। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ऐसे ही हम बहनों को लड़वाते भी रहना और प्यार भी दिलवाते रहना। लड़ना तो बिल्कुल नहीं गुरु जी, लड़ना यार मजा आता है। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। मुझे गुरु जी आपने एक बहन ब्लेस की है हमेशा के लिए, प्लीज इसको नहीं छोड़। जय गुरु जी। जय गुरु जी भाई, ठीक हो? ठीक हो आप? प्यारे संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने आज का दिन बहुत ही अच्छा हमें ब्लेस किया है। और आज का सत्संग है जनाना पार्क में। यहाँ हम सारी गुरु बहनें आ गई हैं और दरबार गुरु जी महाराज जी का सजा रही हैं। और साथ ही मैं आपको वहाँ के दर्शन करा रही हूँ। यहाँ बिन मांगे सब मिलता है, यानी कि यहाँ है वो नाग देवता की जगह, जहाँ दूर दूर से संगतें आज के दिन मत्था टेकने आती है। नागों के जो बिल होते हैं, जो नागों की सुरंग होती है, जहाँ नागों के घर होते हैं, वहाँ दूध डालने आती है और मनवांछित फल पाकर अपने परिवारों के साथ खुशी खुशी घर को लौटती है। ये कुल देवी देवताओं की जगह है। बहुत सारे लोगों के कुल देवी देवता बाबा कालीवीर जी यहाँ पर विराजमान है साक्षात। और बहुत सारे लोग यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर मत्था टेकने आते हैं, चादरें चढ़ाते हैं। और कहते हैं कि जो भी यहाँ एक बार मुराद मांगकर चला गया, तो यकीनन बहुत जल्दी उसकी अर्जी ये नाग देवता सुनेंगे। और जब वो अर्जी उनकी पूरी होएगी, तो वो फिर यहाँ पे ये सफ़ेद रंग की चादरें चढ़ाएंगे। और इन सबके नीचे ना बर्मियाँ बनी हुई हैं, बर्मियाँ। और बर्मी क्या होती है संगत जी? मिट्टी की वो सुरंग, मिट्टी वाली वो जगह जहाँ नाग बसते हैं, जिनमें नाग रहते हैं। तो मुझे पूरी तरह से बताना भी नहीं आता। तो गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत है। संगत जी आज गर्मी खाओ, गर्मी। अभी जब भी संगत जी घर से बाहर सत्संग होता है, तो थोड़ी डिफिकल्टीज आती हैं, क्योंकि घर के मुताबिक आप सारा सामान इतनी जल्दी नहीं आप मैनेज कर सकते, कुछ ना कुछ छूट जाता है। लेकिन गुरु जी महाराज का आशीर्वाद हो, तो वो सब कमियां बहुत ही शीघ्रता से पूरी करते हैं और अपना सत्संग बड़े ही अच्छे ढंग से कराते हैं। क्योंकि बिना इनकी आज्ञा, बिना इनके हुक्म के संगत जी आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारा दरबार संगत जी बिल्कुल लगभग तैयार हो चुका है। और गुरु जी के आशीर्वाद से इतनी कड़ी धूप में भी संगतों का आना शुरू हो गया है। क्योंकि संगत जी जो है ना वो गुरु जी के संग टाइम बिताना चाहते हैं। और जब गुरु जी का सत्संग होता है ना, तो सब भूल जाते हैं। धूप क्या है, गर्मी क्या है, छाँव क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, सब गुरु चरणों में हाजिरी लगाना
करना चाहते हैं तो ये हैं हमारे यहाँ के MLA साहब युधवीर सेठी जी, जो कि यहाँ दरबार में मत्था टेकने आए थे और आकर इन्होंने भी गुरु चरणों में अर्जी लगा ली। तो भाई गुरुजी की मर्जी, गुरुजी ने जिसको बुलाना है तो वो बुलाते हैं अपने चरणों में और मुंह मंगिए मुरादे देते हैं। तो गुरुजी का दरबार खुला दरबार है संगत जी, यहाँ कोई भी आ सकता है। और ये नाग देवता के यहाँ मंदिर में मत्था टेकने आए थे, जब इन्होंने गुरुजी का दरबार लगा देखा तो ये यहाँ भी नतमस्तक होने आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना, जय हो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज आइए पधारिए, कड़ी धूप में संगत जी ये गुरु संगतें ही बैठ सकती हैं। ये गुरुजी महाराज अपनी गुरु संगतों में ही हिम्मत बख्शते हैं। और लास्ट टाइम संगत जी यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी जब लास्ट ईयर हुआ था, लेकिन इस बार फिर भी गुरुजी की थोड़ी कृपा बरसी है, थोड़ा सा मौसम में नज़ाकत आ गई है। क्योंकि ये हमारे इम्तिहान है और जब हमने इन इम्तिहानों को पास कर लिया ना, तो सच्ची में हमारी ज़िंदगी में हमें किसी कठिन परीक्षा को देने से पहले ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी हमारे अंग संग होंगे, गुरुजी हमारे साथ होंगे और गुरुजी हमें हिम्मत देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। साथ ही साथ में संगत जी आपको फिर से लेकर आ गई हूँ नाग देवता के मंदिर में, जहाँ के मैं आपको दर्शन करा रही हूँ, जहाँ कुल देवी देवताओं की संगतों को जो परिवार के लोग आए हैं मत्था टेकने, उनकी चौकियाँ हो रही हैं, यानी कि हाजिरियाँ वो लगा रहे हैं अपने कुल देवी देवताओं के चरणों में। और मैं चाहती हूँ आपसे अपनी जो हमारे J&K की हर एक चीज़ शेयर करना, क्योंकि मुझे पता है बहुत दूर दूर से संगतें ये सब देखती हैं और कुछ संगतों को यहाँ का कल्चर नहीं पता है, और हो सकता है आपके वहाँ भी ये सब होता हो। लेकिन जब भी हमारे यहाँ कुल देवी देवताओं का कुछ होता है ना, तो परिवार के जिस भी सदस्य में कुल देवी देवताओं का प्रवेश हो तो वो ज़रूर झूलता है उस पवित्र जगह पर आकर जहाँ उनके देवताओं का वास होता है। और झूलता इसलिए है कि कुछ पल के लिए जो हमारे इष्ट होते हैं, जो हमारे कुल देवी देवता होते हैं, उनका वास हमारे शरीर में आता है। हर एक के नहीं संगत जी कह रही हूँ, किसी को, किसी घर के एक सदस्य को देवी देवताओं ने चुना होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज तो संगत जी पूरा गार्डन, पूरा जनाना पार्क निहाल हो गया। कहते हैं संगत जी, गुरुजी महाराज जी के सत्संग की आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचती है वो सारी जगह ब्लेस हो जाती है। भले ही आप घर पे बैठे हो, भले ही आप सत्संग में आए हो, लेकिन अगर सत्संग की आवाज़ आपके कानों में पहुँच गई ना, तो घर बैठे ही आप ब्लेस हो गए। आज सारा आसमान और इस धरती का ओरा बहुत ही पॉजिटिव हो गया है, क्योंकि नाग पंचमी के दिन आज गुरुजी महाराज का सत्संग हुआ है और गुरुजी महाराज का आशीर्वाद, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आप सभी संगतों के लिए भी है जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, जहाँ जिनको नहीं पता था और जहाँ जो थ्रू सोशल मीडिया, यानी कि यूट्यूब पर ये सत्संग देख रहे हैं। तो सोशल मीडिया संग जी हानिकारक तभी होता है जब आप सोशल मीडिया के थ्रू किसी को नुकसान पहुँचाते हैं, लेकिन अगर सोशल मीडिया की हेल्प से आप एक अच्छा रास्ता सभी को दिखा रहे हो तो वो कभी हानिकारक नहीं हो सकता। वरना और आज जिसने मेरा फेसबुक पे देखा होगा ना, मैंने कहा विषधारी नाग नहीं बनना है, मीठा नाग बनना है ना, प्यार से समझाओ, कसना नहीं है प्यार से समझाना है, ठीक है। दो तरह के नाग मैंने बताए थे, एक विषधारी है और एक मिठास वाले। और संगत जी, अगर हमें गुरु जी ने सेवा का मौका दिया है ना, ये सेवा बख्शी है ना कि हमें सत्संग में बैठने का भी, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, स्टेज मत निकालिए,
अगर आप मिस्टेक निकाल रहे हो दैट्स मीन आप कहां गुरु जी सारों से ही गलतियां होती हैं। तो गलती हो रही है कोई बात नहीं, उसमें भी शायद गुरु जी की रजा होगी और जैसे जैसे जगह होती है वैसे वैसे अरेंजेस भी होते हैं, है ना। घर का अरेंजमेंट अलग होता है, बाहर का अरेंजमेंट अलग होता है, एक टाइम पर कोई भी आ रहा सभी अलग अलग टाइम पे आ रहे हैं, सभी की भी मैनेजमेंट खराब हो जाती है, होती है कि नहीं बताओ। गलत है और नहीं बताओ आपके ये फैसला है, गलत बोल रही हूँ। तो जैसे जैसे जगह वैसे वैसे मैनेजमेंट, जहाँ तो रूल तो ये भी है कि भाई सीधे टाइम पे आओ, अच्छा कोई टाइम पे कोई 4 बजे आ रहा, 1 बजे का सत्संग है तो 2 बजे आ रहे हैं, तो कहाँ से आप रूल फॉलो कर रहे हैं। जब करनी है तो पूरी तरह करें, अदरवाइज मत गलतियाँ निकालें। आज तो किसी भी सत्संग में चंदन के टीके के अलावा गुरु जी वाले में नहीं लगा होगा माँ ये लाठी का, लेकिन गुरु जी भी पता है क्यों आज ये लगवाया, ये वो ही जानते हैं, उनकी लीला से हम वंचित हैं, वो कराए जा रहे हैं। सबका शुक्राना जो आए हुए हैं पिछले साल भी हमारे से ही करवाया, इस साल भी शुक्राना सेवा के काबिल समझा आपका लाख लाख शुक्राना। और ऐसा कोई संगत सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कर सकती। हर रिश्ता निभाता है, हर रिश्ता निभाता है। तो ये बात होती है हम यहाँ परिवार होके बैठे हुए हैं, गुरु जी के परिवार होके बैठे हुए हैं, जो भी शुक्राना है उनकी उनका ही शुक्राना हम पर है। हम जितना शुक्राना करें हमारे पास वो गिनती खत्म नहीं हो सकती, लेकिन उनके जीवनों को कमी हो नहीं सकती। बोलो जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। धन्यवाद। सभी को आपने ब्लेस कर दिया, फिर मांगे शुक्राना करो।